दोस्तों, मैं महावास्तु सर्टिफाइड आचार्य और ट्रेनर एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। प्रवेश द्वार, किसी भी घर का प्रवेश द्वार वास्तु शास्त्र के अनुसार वो मुख्य बिंदु है जो बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया को जोड़ता है। अंदर की दुनिया कौन सी? अंदर की दुनिया, क्योंकि हर एक घर वो किसी भी व्यक्ति का जो उस भवन में रहते हैं उसका एक स्पेस है, इनर स्पेस, और जो बाहरी दुनिया है वो आउटर स्पेस से जोड़ने वाला मुख्य बिंदु वो प्रवेश द्वार होता है। वास्तव में वास्तु पुरुष मंडल के अंदर 32 देवता जो आउटर पेरिफेरी के हैं वो ये 32 एंट्रेंसेज ही हैं। 16 दिशाओं में हर एक दिशा में 2 एंट्रेंसेज होती हैं। तो हमने घर, अपने घर के अंदर जो प्रवेश द्वार खोल दिया, यानी जिस देवता को स्पेन दे दिया, जिसको बढ़ा दिया, आउटर वर्ल्ड से जोड़ दिया, वैसे ही एट्रीब्यूट हमें महसूस होने लगते हैं। वैदिक वास्तु शास्त्र के अंदर ये कहा जाता है कि पूर्व मुखी घर है वो बहुत ही अच्छे होते हैं वास्तु के अनुसार, उत्तर मुखी घर लेने चाहिए वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मेरे गुरु सखा डॉक्टर खुशदीप बंसल कहते हैं कि हर दिशा अच्छी है, हर दिशा शुभ है, बस पता ये होना चाहिए कि व्यवस्थाएं कहाँ पर देनी है और प्रवेश द्वार कहाँ पर देना है। तो हर घर ग्रोथ के लिए, संपन्नता के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए बिल्कुल रेडी है अगर उसको व्यवस्थाएं सही से दी जाए। अब अगर बात करें प्रवेश द्वार, मान लो किसी व्यक्ति ने वैदिक वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व मुखी घर ले लिया पर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे पूर्व मुखी घर के, वो कह रहे कि इस घर में आने के बाद परेशानियां बढ़ गई हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, एकदम से कन्याओं का जन्म ज्यादा होता है, पड़ोसियों से झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ एट्रीब्यूट हैं, तो कहते हैं कि हमने तो इतना पैसा दे के पूर्व मुखी प्लाट लिया पर इसके रिजल्ट तो सारे खराब हैं। वास्तव में जब किसी भी दिशा के हम तीसरे और चौथे पद को एंट्रेंसेस के रूप में खोलते हैं तो ही वो शुभ फलदायी होता है। और महावास्तु का एक कंसेप्ट एंगुलर डिवीजन मेथड, इसके अंदर एक और नई चीज है, वो है एंगुलर डिवीजन मेथड के अंदर ये गुरु सखा, मेरे जो गुरु सखा डॉक्टर खुशदीप बंसल, ये उन्हीं की देन है कि कोई भी घर एग्जैक्ट 90 डिग्री पर नहीं होते, वो किसी न किसी दिशा में टिल्ट होते हैं। जब प्रॉपर डिग्री लेकर उस घर को ग्रिड किया जाता है तो ही हम एक करेक्ट तीसरे और चौथे पद के एंट्रेंस दे पाते हैं उस घर के लिए, जो उसके लिए बहुत ही शुभ फलदायी, संपन्नता और ग्रोथ के लिए कारक होती है। क्योंकि यही वो पहला चरण होता है, यही वो पहला स्टेप होता है जहां से हम बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, बाहरी लोगों से मिलते हैं। तो जिस देवता को हमने एंट्रेंस के रूप में खोल दिया या जिस एंट्रेंस को हमने खोल दिया, उनके जो प्रभाव है वो फिक्स है, 32 एंट्रेंसेस के प्रभाव फिक्स है। और ये ऐसे ही नहीं है मामला, 30 साल की रिसर्च है गुरु सखा की और ये पूरा डॉक्यूमेंट है सारा सिस्टम। तो जिस दिशा में हमने जो एंट्रेंस खोल दी, और या मान लो कहीं ना कहीं हमने कोई नेगेटिव एंट्रेंस को खोल दिया, तो उसके प्रभाव आने लाजमी है, वो हमें जरूर जीवन में महसूस होते हैं। तो बहुत जरूरी है एक सही तरीके से लिया गया निर्णय और सही तरीके से दी हुई एंट्रेंस, ताकि आप अपने जीवन में वो डिजायर, वो संपन्नता, वो पैसा, वो धन, वो हर खुशी को आकर्षित कर सके जिसकी आपको तमन्ना है, जिसकी आपको आरजू है, जिसकी हसरत है। इसलिए इसका एक सामान्य सा तरीका चेक माई वास्तु ऐप है, उससे भी आप देख सकते हैं कि आपके घर की एंट्रेंस कौन सी आपने खोली हुई है। चेक माई वास्तु ऐप महावास्तु का बिल्कुल फ्री है, आप उसको फोन में डाउनलोड करके देख सकते हैं घर के सेंटर में रख के कि आपकी एंट्रेंस कहाँ पर आ रही है। अगर वो नेगेटिव एंट्रेंस है तो उसको सिंपल से रंगों की पट्टियों से ब्लॉक करके, बंद करके, एक उसके नकारात्मक प्रभाव को बंद किया जा सकता हो, सुखद जीवन का आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा महावास्तु में गुरु सखा ने एक और चीज ट्रेनर से ली हुई है कि हर एक ट्रेनर को योगदान करना है अपनी योग्यता का, सप्ताह में एक दिन प्रत्येक व्यक्ति इन विधियों का लाभ लेके सुखी हो सके, ये उन्होंने प्रत्येक ट्रेनर इसके लिए वचनबद्ध है। तो आप फ्री में योगदान लेके उस ट्रेनर का जो डे है, जो दिन है, उस दिन फ्री में योगदान लेके आप अपने घर के लिए सही एंट्रेंस और सही वास्तु का चुनाव कर सकते हैं महावास्तु की छोटी छोटी विधियों के द्वारा, जिसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है और लाभ ले सकते हैं अबंडेंस में। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, चलिए जुड़िए महावास्तु से और लीजिए इसके छोटे छोटे रेमेडीज का लाभ।
थैंक यू।